जमशेदपुर के ब्यूटी पार्लर में जब पुलिस की टीम अचानक रेड करने पहुंची तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। आखिर क्यों गई ये रेड, देखिए रिपोर्ट। टीम जैसे ही एक ब्यूटी पार्लर में पहुंची तो उसमें मौजूद महिलाएं दंग रह गई। छापेमारी के दौरान जब पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ की तो वो घबरा गई। निकलने का भी है क्या? ये कौन सा पार्लर है? जी सुनील किधर है? सुनील पार्लर यही है? लक्ष्मण कहाँ है पार्लर? ये लक्ष्मण पार्लर है ना? ये मालिक है? नहीं नहीं, ये मालिक नहीं है। कहाँ है दिने? ये लोग तो देर देखो देरी है नहीं। ये तुम्हारा सही है? सब प्रताप सही रखी है। तस्वीरें जमशेदपुर के साक्षी बाजार की है। दरअसल पुलिस की टीम इस पार्लर में जिस फिरोशी के धंधे की खबर मिलने के बाद छापेमारी करने आई थी। पार्लर में युवक मिला तो महिला कांस्टेबल ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में महिलाओं को चेता दिया कि अगर वो किसी गलत काम में शामिल है तो पुलिस ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं तो लाइसेंस लो, फिर आप बजाते इसको ट्रांसपेरेंट रखो। ठीक है सर, या तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से हटकमाओ, सब कुछ करो। लेकिन किस तरह करोगी पूरा घेर के, ये हम होने नहीं देंगे। सबसे पहली बात सुनाई मिल रही थी कि अवैध पार्लर में क्यार में लोग कुछ गलत काम कर रहे थे। इस संबंध में सूचनाएं शिकायत बराबर प्राप्त हो रही थी। साथ साथ ये भी सूचना मिल रही थी कि बहुत जगह लोग अवैध रूप से शराब का अड्डा बनाकर रखे हुए हैं, जहां लोग असामाजिक तत्व आकर जमावड़ा करते हैं और यहीं से अपराध की योजना भी तैयार करते हैं। नहीं, इन लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है और आज के बाद कभी भी अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्लर में छापेमारी के दौरान पुलिस घंटों सामान की तलाशी करती रही। इस छापेमारी में कुछ सामान जब्त करने के बाद पुलिस ने कई लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इंद्रजीत, जमशेदपुर, न्यूज 24।